एक कहानी से इसकी डेप्थ समझ में आएगी। कहानी का शीर्षक है वे दिए फिर नहीं बुझे, वे दिए फिर नहीं बुझे। कहानी क्या कहती है कि एक घर में दिए जल रहे हैं, दिए जल रहे हैं। पहला दिया एक दिन कहता है कि मैं अब बुझने जा रहा हूँ, मैं बुझने जा रहा हूँ। वो दिया था उत्साह का, उत्साह का। मुझे कोई उत्साह नहीं रहा, जल जल कर मेरी रोशनी में लोगों को कोई कदर नहीं, तो मेरा जलना व्यर्थ है, मैं समाप्त होता हूँ। वो बुझ गया, उत्साह का दिया बुझ गया। फिर दूसरे दिए ने कहा, वो शांति का दिया था, उसने कहा मैं बोर हो गया हूँ, शांति की रोशनी देकर मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि लोग हिंसा बंद ही नहीं कर रहे। तो वो दिया बुझ गया। तीसरा दिया था हिम्मत का, शांति ही चली गई तो उसकी हिम्मत टूट गई, उसने कहा मैं भी बुझता हूँ, मुझे भी अब इंटरेस्ट नहीं है। तीसरा दिया भी बुझ गया। चौथा दिया था समृद्धि का, समृद्धि ने कहा कि हिम्मत नहीं है, उत्साह नहीं है, शांति नहीं है, तो मैं भी ये घर छोड़कर जाना चाहता हूँ, मुझे भी यहाँ नहीं रहना। और वो दिया भी बुझ गया, चौथा दिया भी बुझ गया। पांचवा दिया, छोटा दिया बचा हुआ था, वो अकेला जल रहा था, और उस कमरे में एक लड़का आया, उसने आकर नृत्य अभिव्यक्ति की। उसने देखा एक दिया जल रहा है, चार बुझ गए हैं, उस पर नहीं था उसका फोकस, एक दिया जल रहा है अभी तक नहीं बुझा, तो उसने नृत्य अभिव्यक्ति की। धन्यवाद का भी आज धन्यवाद है। नृत्य अभिव्यक्ति के बाद उसने क्या किया, वो छोटा दिया उठाया और सारे दियों को जला दिया। रहस्य खुला कि वो पांचवा दिया कौन सा था। वो दिया था उम्मीद का। जब तक उम्मीद कायम है तब तक सभी दिए जलेंगे। उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए, उम्मीद का दिया नहीं बुझना चाहिए। अगर वो जल रहा है तो सभी दिए फिर से जल जाएंगे। उस लड़के ने नृत्य अभिव्यक्ति की, उस लड़के का नाम था विश्वास। उस लड़के का नाम विश्वास। विश्वास जब उम्मीद के दिए से हिम्मत का, उत्साह का, शांति का, समृद्धि का दिया जलाता है, तो वे दिए फिर नहीं बुझे। तो कहानी में संकेत समझ में आया, उम्मीद का दिया क्यों जलते रहना चाहिए और वो किसके लिए जले। विश्वास किसका नाम है, विश्वास की नृत्य अभिव्यक्ति क्या कर सकती है। कुछ इशारे थे, संकेत थे। उम्मीद को छोटा समझकर छोटा मत समझो, नेवर अंडरएस्टिमेट
उम्मीद, उम्मीद को अंडरएस्टिमेट मत करो, उसको छोटा मत समझो। वो जल गया तो सब जल सकते हैं। लोगों को उसे संभालना आना चाहिए, ये ट्रेनिंग है, ये स्किल है। दिया बुझता है तो कैसे आप हाथ दोनों तरफ रखते हो? जिनको मालूम है एग्जैक्टली हाथ किस तरफ से, हवा की दिशा, हाथ की दिशा कैसे होनी चाहिए, वे उम्मीद को संभाल सकते हैं। उनको इम्पोर्टेंस मालूम है, नहीं तो छोटा दिया बुझ गया क्या फर्क पड़ा, छोटा सा ही दिया क्या फर्क पड़ेगा। मगर एक दिए से क्या कमाल हुआ, ये बात अपने जीवन में लागू करनी है। कौन सी घटनाओं में एग्जैक्टली आपको समझ में आए, आपके विचारों में कुछ होता है, परेशानी के विचार आते, दुख के विचार आते हैं, कोई घटना होती है, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, कोई कार्य अटक गया है, नहीं हो रहा है, कुछ नुकसान होने की खबर मिल रही है, ऐसे टाइम पर कैसे आपको उम्मीद का दिया जलाए रखना है और क्यों जलाए रखना है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसकी ताकत आपको पता है तो आप ये जलाए रखोगे, ताकत पता नहीं है तो उपेक्षा करोगे। तो अंडरएस्टिमेट मत करो, उसकी उपेक्षा मत करो। विश्वास उस लड़के ने जो काम किया, क्योंकि जब जब आप उम्मीद के दिए से बाकी चार दिए जलाते हैं, तब आप कौन होते हो, तब आप स्वयं विश्वास होते हो, तब आप विश्वास होते हो। ऐसी अवस्था हमारी बन जाए तो उम्मीद के साथ हमारी अवस्था विश्वास की बनती है। तो आंख बंद करके ध्यान में उम्मीद की फीलिंग को याद करो। कैसा लगता है जब आपके अंदर उम्मीद जगती है? उस फीलिंग में रहना काफी है। क्योंकि उसके बाद सब स्वतः शुरू हो जाएगा। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है, है उम्मीद तो हर लहर किनारा है। कल के सपने आज की उम्मीद हैं, आज की उम्मीद कल की हकीकत है। आप किस हकीकत का निर्माण करना चाहते हो? ईश्वरीय हकीकत, वास्तविकता, आप जो हो, आप कौन हो, आप जो हो वही बनकर जिए, उसके लिए उम्मीद को पानी दें। जब उम्मीद छूटे तब उसे कह पाए, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब। नेवर अंडरएस्टिमेट होप। उत्साह कम हो, हिम्मत टूटे, शांति बिखरे,
समृद्धि कम हो, एक दिया काफी है, उसके साथ सारे दिए जला लो। जब आप सारे दिए जलाते हैं तब आप खुद विश्वास होते हो। जब आप उम्मीद का दिया जलाते हो, जब जब तब तब आप खुद विश्वास हो। सभी आंखें खोलेंगे। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्व अनुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है, इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हमें खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। सर श्री, यहाँ आकर जितनी खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। मैं सॉफ्टवेयर में काम करता हूँ और सारी चीज़ों को बहुत ही लॉजिकल सोचने की आदत है और शुरू से ही लॉजिकल सोचता रहा हूँ। और वैसे अध्यात्म में बहुत ही रुचि रही है, बहुत तरह की अध्यात्मिक किताबें पढ़ी हैं और अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव आदमी मानता था, अपने आप को ऑप्टिमिस्टिक आदमी मानता हूँ, हमेशा पॉजिटिव चीज़ को देखता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद और आपके शिविर में आने के बाद ये एहसास हुआ कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे पता ही नहीं थी। क्षमा मांगने वाली बात, ये सबकॉन्शियस माइंड में होगी कहीं, लेकिन ये कॉन्शियस माइंड में कभी भी नहीं थी। इस लगता ही नहीं था कि इतना इफेक्टिव हो सकता है। yes. इसके अलावा स्वीकार करने वाली बात, वो इतनी ज़ोरदार बात है जो आपने बहुत ही आराम से कह दिया, लेकिन बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग स्वीकार कर ही नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कोई तनाव आता है, कोई परेशानी आती है, तो हमको उसका तनाव का तनाव और उसका परेशानी का परेशानी बहुत आती है। और अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत ही चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये बात बहुत ही सही समझ में आई। Yes. I am feeling I am a better person when I am going back. धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।